तस्वीरें बता रही है हादसा कितना गंभीर है। एक के ऊपर एक लदे गाड़ी के डब्बे, यात्रियों को बचाने की कोशिश करते हुए लोग। कुछ तो खुशकिस्मत थे कि बच गए, वही कुछ के घरों के चिराग बुझ गए। एक के बाद एक दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती रही। कोई डिब्बों के बीच फंस गया तो कोई ट्रेन के नीचे आ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। अचानक ही मैनागुड़ी के पास दो मोहानी में बीकानेर एक्सप्रेस की 12 डब्बे रेलवे पटरी से उतर गई और सवारी से भरे 4 डब्बे पूरी तरह पलट गए। इनमें से एक डिब्बा रेलवे लाइन के पास पानी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 700 यात्री थे जो कि अलग अलग स्टेशनों से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरी तो चीख शोर में तब्दील हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वहीं घटनास्थल पे एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में घटनास्थल पे 8 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं घायलों की संख्या 50 से अधिक बताया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हादसा कितना भीषण है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बोगी जो है रेलवे की, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, पलट चुकी है और घायलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसी क्रम में 50 एम्बुलेंस को घटनास्थल पर पहुंचाई गई और इसी के साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है रेलवे की तरफ से और कहा गया है कि इन नंबर पर डायल करके आप अपने परिजनों का समाचार ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे। कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।